जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम बोले थे कि एक्सरसाइज 9.3 में आप लोग 9.3 ने 10.3 में कमेंट करके बताइएगा कि 10.4 बताना है या नहीं बताना है। लेकिन फ़िलहाल देखकर ऐसा इम्प्रेशन लगता है कि शायद आप लोगों को क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं है। चलो जैसे चल रहा है, या सिर्फ ये क्लास 10th या 9th तक ही पहुंच पाता है, 11th को उतना मतलब है नहीं, शायद ऐसा लगता है कभी कभी। 12th वाला जो क्लास है उसमें कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ रिप्लाई आते रहता है कि ठीक है सर, थैंक यू सर, हाँ सर, नहीं सर, ये आंसर वो आंसर। 9th 10th भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ये 11th वाला जो आप लोग अभी हैं फ़िलहाल जो एट अ टाइम जो देख रहे हैं, पता नहीं देखते भी हो या नहीं देखते हो, तो कोई बात नहीं, आने वाला भविष्य में जो अभी 10th में है विद्यार्थी वो इसको देखेगा, आपके लिए यूजफुल नहीं हो सकता, उसके लिए यूजफुल हो सकता है कि आप लोग पढ़ के ख़त्म कर गए, ये सब चीज़ आपको कंप्लीट हो गया हो। चलिए कोई बात नहीं, कभी भी अगर ये 10th वाला पास करेगा तो उसके काम आ जाएगा ये। आपको लगे कि ज़रूरत हो तो देख लेना भाई एक्सरसाइज, इसमें तो 9.4 लिखा ले, जो कि गलत है। वैसा नहीं, पहला क्वेश्चन शुरू में है रूट अंडर आई। अब इसमें 4 गो ऑप्शन दे ले, तो हम देखो ऑप्शन तो नहीं रखेंगे, हम तो यहाँ हिसाब बताने आए हैं, सॉल्व करने आए। इसे ऑप्शन से क्या होता है कि वो डक्कर से भी ऑप्शन मार दिया तो आ गया, हम तो इसको सॉल्व करेंगे ना। अगर इसका वर्गमूल चाहिए तो आप मान लो कि अंडर रूट 0+ आई है, कोई दिक्कत नहीं कि हम ऐसे ही बताते हैं, ऐसे और भी छोटा तरीका है, लेकिन चलो यही लेके x+ iy। क्या करना है देखो, इधर से रूट खत्म करो, रूट खत्म करने के लिए उधर x+ iy के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0+ i, इसका स्क्वायर कर दो तो x² और प्लस में iy के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x, अभी मतलब iy। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं इसको 0+ i, इधर देखें तो x² - i² के वैल्यू तो ऐसे भी -1 होता है, तो बच गया y², यहाँ देखना i² के वैल्यू -1, तो माइनस लिख दिए, प्लस में i×2xy। अब कंपेयर करो, इधर रियल पार्ट 0 है और उधर रियल पार्ट x² - y², तो x² - y² = 0। हो सके तो इसको बॉक्स में घेर के लिख लो, इमेजिनरी पार्ट इसके साथ में कुछ तो 1 है और उधर इमेजिनरी पार्ट 2xy है = 1। इतने लिख के छोड़ दें, या तो आप चाहो तो यहीं से सॉल्व भी कर सकते हो, आगे कुछ करने की जरूरत है। जैसे x² = y² आप कह सकते हो, तो x = ये भी कह सकते हैं y, हाँ वो प्लस माइनस में भी आप कह सकते हो कि x = +/-y। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जाकर उधर रूट होगा तो +/-y आएगा, सिर्फ y ही लिखो ना भाई कि x = y। अभी जो वैल्यू निकला है, पुट द वैल्यू ऑफ x, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। अब लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में तो पक्का नहीं क्योंकि फर्स्ट से तो निकलवे किया पहले समीकरण से, सेकेंड में 2x - x और y जहाँ पे है ना, या फिर x जहाँ पे, दोनों में से किसी को तो पुट करना होगा ना, हम x के पुट कर रहे थे, चलो भाई x के जहाँ पे y लिख दिए और y को y ही रखने दिए, बराबर में 1, इसलिए y × y, y² हो गया, y² = 1/2, तो y = कितना, स्क्वायर है इधर जाके रूट हो जाएगा, और 1 के रूट तो 1 ही, लेकिन 2 के रूट √2, वो भी प्लस माइनस में।
अब अगर वाई बराबर निकल गया है तो जाहिर सी बात है कि एक्स बराबर भी यही चीज़ होगा, प्लस माइनस 1/√2। क्यों? क्योंकि वाई और एक्स दोनों यहाँ बराबर है, यानी हम इसका वर्गमूल यहीं से, चलो भाई कि एक्स प्लस आई वाई माने थे, कितना हो गया, एक्स माने 1/√2 प्लस आई वाई, तो आई गुने 1/√2 प्लस माइनस में, चलो प्लस माइनस में, दोनों में से कॉमन ले लो 1/√2, वो भी प्लस माइनस में, तो बचा क्या यहाँ से 1 और प्लस में आई, यही आंसर होगा। अब अगर आपके पास किताब होगा तो मिला लेना, ऑप्शन नंबर 4। हम देखो ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। ऑप्शन तो हो सकता है उठकर से भी बता दे, या आंसर वो देख के बता सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ वो बताना ज़रूरी है, और हम वही बताएं। नोट डाउन कर लो, नहीं कर सकते हो कुछ वैसे जगह पे हो जहाँ पे आपके पास कॉपी कलम नहीं है, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी नहीं लगता है कि नहीं सर हमको तो पूरा एक ही बार में समझ में आ गया, ठीक तो हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जेड माइनस जेड रेखा इज इक्वल टू 0 इफ इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी हो सकता है जब, केवल कब हो सकता है देखते हैं। देखो जेड मतलब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस आई वाई, चलो भाई अगर जेड गो को एक्स प्लस आई वाई नहीं लिखना चाहता है तो मत लिखो एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी तो लिख सकते हैं। नहीं मन है कि एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई के टर्म में हम नहीं लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ए और बी के टर्म में लिखो, लेकिन जो भी लिखो ये ध्यान रखना कि हम लिखे किसमें हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ लिखोगे इसी का रेकरिंग फिर इधर लिखना होगा, जैसे जेड पे रेकरिंग है तो इधर लिखना होगा एक्स, और प्लस के माइनस बना दो, एक्स माइनस आई वाई ये हो गया एक्स प्लस आई वाई, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में एक्स, और ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस अंदर गया, इसलिए माइनस माइनस प्लस आई वाई, एक्स माइनस में एक्स प्लस में कट गया। ध्यान देना ये दोनों जोड़कर 0 है, दोनों जोड़कर 0 है, इधर आई वाई इधर आई वाई दोनों को जोड़ दिए तो 2 आई वाई इज इक्वल टू 0। रियल नंबर तो बचवे नहीं किया, जो है जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी वाई है, तो वाई इक्वल टू कह सकते हैं ना, 0 हो गया, 2 आई सब खत्म, चाहो तो बटम कर दो, यानी वाई बराबर 0। और वाई क्या है, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ना वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट, एक्स क्या है, रियल पार्ट, तो वाई की जगह पे इमेजिनरी पार्ट लिखें इज इक्वल टू 0। अगर उसमें ऑप्शन ढूंढोगे किताब में आपके पास होगा तो ऐसा ऑप्शन दूसरा है तो दूसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि वाई बराबर जो 0 है वो इमेजिनरी पार्ट, एक्स तो बच भी नहीं, एक्स तो कट गया, एक्स तो बचा ही नहीं। नोट डाउन कीजिए, या तो बाद में अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को रोक के उतार लीजिए, और प्रीमियर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, रूट अंडर आई इंटू रूट अंडर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा ये पूछ रहा है कि ट्रू है
या सेकेंड में पूछ रहा है? फॉल्स है, ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स। देखते हैं ट्रू है या फॉल्स। इतना तो हम लोग जानते हैं कि दोनों रूटे में आई आई है, तो आई और गुने में माइनस आई, यानी रूट अंडर आई और आई गुना करो तो आई स्क्वायर, वो भी माइनस में। अब अंडर रूट में ही आई स्क्वायर के वैल्यू, सिर्फ वाई स्क्वायर, सिर्फ आई स्क्वायर के वैल्यू, सिर्फ आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन, और यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, यानी रूट अंडर वन। ये कह रहा है इन दोनों को गुना करेंगे वन होगा, एकदम सही कह रहा है, ट्रू होगा आंसर। तीसरा, क्वेश्चन नंबर फोर, रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई इज इक्वल टू व्हाट, आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। आई के तो वर्गमूल अभी निकाले थे, रूट अंडर आई के वर्गमूल और रूट अंडर माइनस आई के वर्गमूल दोनों सेम चीज़ होता है, फिर भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं सेम चीज़ को। देखो रूट अंडर आई के वर्गमूल के लिए 0 + i लिखो, x + iy डायरेक्ट तब लिखो कि 0 + i इधर तोड़ो, x² - y² + i गुने 2xy, तो x² - y² इज इक्वल टू 0, और इधर लिखो 2xy इज इक्वल टू 1, तो x² = y², x = y। अब यही पे पुट कर दो भाई, इसी जगह पे 2x तो x है, y माने vx = 1, तो 2x² = 1, इसलिए x = (√2). ये सब सब बताया है अभी, अब x इतना है तो y भी इतने होगा, ±1/√2। यानी कि अगर रूट अंडर आई कोई पूछता तो हम कहते कि 1/√2 कॉमन, यही ना x + i तो कॉमन, और x माने जो निकला है कॉमन हो गया, y भी कॉमन हो गया, तो बचा 1+i, ये ध्यान देना। अच्छा इसका वर्गमूल देखो क्या होगा, 0 - i/y, सॉरी 0 - i = x - i/y। सब पढ़ावल है अब तो, 10.4 में चल रहे हैं, मतलब रिवीजन एक तरह से ही। ये हो गया 0 - i, इधर डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x - i/y² हो गया 0 - i, इसको तोड़ो x² - y² - 2xy, यहाँ i कंपेयर करें तो x² - y² = 0, माइनस माइनस खत्म, तो 2xy = 1, x² = y², यानी x = y। इधर 2xy माने vx, यहाँ से तो x = 1/√2 भी प्लस माइनस में, अब जितना x निकलेगा वही y भी होगा क्योंकि दोनों बराबर है, 1/√2, यानी कितना हो गया √√i, ये बतलाइए। तो x माने 1/√2 और y माने भी तो वही है, दोनों के कॉमन ले ली, बच गया कितना, यहाँ से 1 कह सकते हो, यहाँ से i निकल गया। ठीक है, करना क्या है, √i और √√i दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ तो जोड़ो ना यार, मना क्या किया है, यहाँ 1/√2 और 1+i इसमें जोड़ दो, ई वाला 1/√2 1 - i जोड़ो, दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से 1/√2 कॉमन। पता नहीं इतना नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख तो रहा है, कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया 1 + i, यहाँ से बच गया +1 - i, इससे i से i कैंसिल, और बचा 1/√2 और गुने 1 और 1 जोड़ दिए तो 2,
हालांकि इसे कैंसिल, कितना बार में? रूट 2 बार में, यही आंसर होगा, रूट अंडर 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन, बारह आई स्क्वायर माइनस 4i³ प्लस 8i⁴ माइनस 4i⁵, इसका मान निकालना। देखते हैं, 12 को 12 लिखेंगे और आई स्क्वायर के वैल्यू -1 -4, आई क्यूब के वैल्यू माइनस आई होता है, ठीक है ना, प्लस बना दो, 8 गुने i⁴ के वैल्यू 1 होता है, प्लस में 1 होता है, -4 i⁵ है। अब अगर पावर 4 से बड़ा है तो 4 से भागा दो, सिर्फ आई बचेगा, हालांकि माइनस में प्लस में कट गया, बचा कौन सी, माइनस में 12 प्लस में 8, यानी 8 में से 12 घट गया तो माइनस में 4। -4 ऑप्शन कहाँ मिलेगा, चौथा नंबर में है। छठा नंबर क्वेश्चन, जेड बराबर है -1 और प्लस रूट अंडर 3i एंड एन बी एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, देन जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। देखो वो कह रहा है कि जेड पे जो पावर है एन वो ज्ञात कीजिए, लेकिन जेड पावर जो एन है वो एन है क्या, एन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, मतलब या तो 3 है या तो 6 है या तो 9 है, मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है, यानी जेड पे पावर 3 ही मानो ना भाई, जब इंटीग्रल मल्टीपल है 3 के, इंटीग्रल मल्टीपल है तो 3 ही सबसे छोटा नंबर है, 3 ही मानो, बड़ा पावर क्यों माने, 6 9 उतना बड़ा में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 3 ही मानिए, -1 प्लस रूट अंडर 3i, इस पे पावर 3 के होल के, तोड़ो पहले a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ए मतलब -1 इंटू बी मतलब रूट अंडर 3i इंटू ए प्लस बी, यानी -1 और प्लस में रूट अंडर 3i। देखते हैं -1 के क्यूब, अगर कर भी देते हैं तो -1 ही आएगा, 3 रूट 3 के क्यूब, तो रूट 3 रूट 3 रूट 3 तीन बार लिखो तो 3 रूट 3 हो जाएगा और ये आई के क्यूब होगा, तो चलो भाई आई के क्यूब लिख दिए, अभी यहाँ -3
तीन है या रूट तीन है, गुना करो तो 3√3 आई, अभी 3√3 i माइनस में हो गया, इसको उसमें गुना करना, -1 प्लस में √3 i करते हैं गुना, ये तो -1 और यहाँ अगर देखें ना तो ये प्लस प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा, क्यों बताते हैं। 3√3 ये i क्यूब जो देख रहे हो ना, i क्यूब के वैल्यू होता है -i, माइनस में i, इसलिए आई यहाँ लिखे माइनस यहाँ लिख दिया, फिर इसको गुना कर दो 3√3, इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस यानी प्लस हो गया 3√3 i, ये भी माइनस ये भी माइनस इसलिए प्लस, अब इसको वहाँ गुना करो तो ये माइनस प्लस माइनस, तीन तो देखो 3 तो 3 है और √3 √3 गुना हुआ तो वो भी 3 हो गया, √3 √3 3 हो गया, 3 पहले इसलिए 9 और आई गुने आई आई स्क्वायर -1 ई कैंसिल, उसको अगर देखे तो ये जब माइनस नज़र आ रहा है आई स्क्वायर के वैल्यू -1 होता है, इसके वजह से ही प्लस 9 हो गया, यानी 9 में से गया तो 8। अब ऐसा आंसर कहाँ है तो है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हम 8 लिखे इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, क्यों काहे लिखे, क्योंकि आंसर में नहीं सन है, आंसर में 8 है ही नहीं, तो क्या है, आप एन इक्वल टू क्या पुट किए यहाँ पर, हेयर एन इक्वल टू कितना माने हैं 3, तब 2 पे पावर क्या आया 3, यानी बोलो ना कि जो पूरा बनाने के बाद आया वो 2 पे पावर n, और ऑप्शन यही है जो हम ग्रीन पेन से लिखे 2 पे पावर n, क्योंकि n को हम 3 पुट किए थे इसीलिए 2 पे पावर 3 आया, मतलब कि 2 पे पावर 3 था तब 3 आया, अगर 6 मानते हो तो 6 आता, इनके जगह आप 9 मानते हैं तो 2 पे पावर 9 आता, यानी एन जो भी है वही 2 पे पावर बन जाएगा 2 पे पावर n। सातवां नंबर, इफ 4+3i इंटू 1+4i इज इक्वल टू x+iy, देन x, y इज इक्वल टू व्हाट, देखते हैं क्या करना है, जो इन दोनों को इन दोनों से गुना करना, चलो पहले 4 से गुना करो, 4 से इसमें गुना कीजिए, 4 से इसमें गुना तो कर दें 1+4i, फिर +3i से गुना कर दो, 3i से इसमें 1+4i में, 4 से गुना किए तो 4 और 4 से गुना किए 4×16i, इससे गुना करो 3i, फिर यही चीज बार गुना करो 3×12i आई आई स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना कि इधर जैसे x+iy है ना वो लास्ट तक ऐसे ही उतारते आना है x+iy,
यहाँ चार हो गया, 16 आई, 3 वाई दोनों को जोड़ दो, 19 आई, -12, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो, एक्स प्लस आई वाई। अब देखो 4 में से अगर 12 घट गया तो -8 और प्लस में 19 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। करते हैं कंपेयर, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 19 है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट वाई है, तो वाई इक्वल टू हो गया 19। रियल पार्ट एक्स है, रियल पार्ट 8 है, तो एक्स बराबर हो गया -8। यानी जो एक्स कॉमा वाई पूछ रहा है वो हो जाएगा एक्स की जगह -8 और वाई की जगह पे 19। आठवां नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई टू द पावर 600 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। जो भी हो इसका वैल्यू बतलाना। देखते हैं, 1 प्लस आई है तो 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, कंजुगेट मल्टीपल करना है, ठीक है। यानी 1 और माइनस के चिन्ह बदल दो प्लस में, 1 प्लस आई से ऊपर भी गुना और यही 1 प्लस आई से नीचे भी गुना टू द पावर 600। देखो ये जो माइनस है ना, एक चिन्ह बदल दिए और कर दिए प्लस, ऊपर नीचे गुना। अब अगर ऊपर की बात करें तो 1 प्लस आई के होल स्क्वायर, लेकिन नीचे देखें तो ये माइनस भी ये प्लस भी, मतलब 1 के स्क्वायर और माइनस में आई स्क्वायर टू द पावर 600। 1 प्लस आई के होल स्क्वायर तोड़ो तो 1 के स्क्वायर आई स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a मतलब 1 और b मतलब i, इस पे पावर जो भी हो 600 600 देंगे, बटा 1 मतलब 1, आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 के स्क्वायर 1 ही हो गया, लेकिन आई स्क्वायर के वैल्यू -1 हो गया और ये हो गया 2i बटा में 2 टू द पावर 600। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा है i टू द पावर 600। अब हम बोलते हैं ना कि i टू द पावर जब भी कभी भी अगर 4 से बड़ा पावर हो, 4 से बड़ा पावर हो तो उसको 4 से भागा देना चाहिए, और देखना है कि 4 से कटा या नहीं कटा। जैसे 600 है पावर, तो हमको तो मालूम है कि 150 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो अगर पूरा पूरी कट रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा, तो डायरेक्ट एक आंसर लिख दो बस। कैसे अगर कोई पूछे तो बोलना है ऐसे कि आई टू द पावर 4 और उस पर पावर 150। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो दोनों गुना हो जाएगा, 4 में 150 गुना करेंगे 600, लेकिन कर मत देना सच में गुना, ऐसे लिखना है क्योंकि आई टू द पावर 4 के मान 1। अब 1 पे पावर जितना बैठाना बैठा दो, ये तो 1 ही रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं 1।
नौवा नंबर, यदि अच्छा हिंदी में देता जी हो, अल्फा इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बीटा इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा पूछ रहा है। चलो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अल्फा हालांकि नियामक में दिल है, अल्फा इक्वल टू आप ए प्लस आई बी लिख सकते हैं और बीटा इक्वल टू सी प्लस आई डी लिख सकते हैं। तो अल्फा गुने बीटा कितना होगा, मतलब ए प्लस आई बी और इनटू सी प्लस आई डी, गुना करो अल्फा इनटू बीटा बराबर, पहले तो ए से गुना कीजिए दोनों में, तो ए सी फिर आई इनटू ए डी फिर आई बी से गुना करो, आई बी गुना होगा तो आई इनटू बी सी और उसमें गुना हो गया तो i को i से गुना किए मतलब i स्क्वायर और b d अल्फा इंटू बीटा बराबर ए सी, यहाँ दोनों से कॉमन ले लो इमेजिनरी पार्ट या आयोटा उसको बोलते हैं, तो ए डी बच गया प्लस बी सी, आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन तो माइनस लिखो और बी डी अल्फा इंटू बीटा बराबर ए सी रियल पार्ट है, इसमें भी तो इमेजिनरी नहीं कुछ झलक रहा है तो बी डी आई दोनों आयोटा वाला टर्म है ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ देखो हम दोनों बता देते हैं रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा अगर पूछे तो ये वाला हो गया ए सी माइनस बी डी, अगर इमेजिनरी पार्ट पूछे अल्फा बीटा तो ये वाला हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, इमेजिनरी पार्ट हो गया आई वाला हो गया रियल पार्ट। अब आंसर क्या बतला रहा है ये बताइए, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट ढूंढ के लिख दो, ए डी प्लस में बी सी यही आंसर होगा। दसवां नंबर, इफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई के होल स्क्वायर बटा में थ्री माइनस आई, देन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं जेड इक्वल टू जो भी है पहले ऊपर तोड़ो, वन के स्क्वायर प्लस आई के स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए मतलब वन और बी मतलब आई बटा थ्री माइनस आई, जेड बराबर ई वन है तो वन के स्क्वायर वन ही, लेकिन आई स्क्वायर है तो उसका वैल्यू माइनस वन और प्लस में हो गया टू आई बटा नीचे हो गया थ्री माइनस आई, वन से वन कैंसिल तो जेड बराबर जो निकला वो टू आई थ्री माइनस आई, इसको कंजुगेट मल्टीपल करो मतलब थ्री माइनस है तो थ्री प्लस आई से ऊपर भी गुना और थ्री प्लस आई से नीचे भी गुना जेड बराबर,
इससे इसमें गुना करना है, गुना कर दो, दो तिया छः आई, दो एकम दो और आई 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 स्क्वायर हो गई, यहाँ थ्री माइनस आई थ्री प्लस आई, मतलब थ्री के स्क्वायर और गुने में आई स्क्वायर, जेड बराबर। ये तो ऐसे भी आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन होगा यहाँ पर, तो माइनस टू ही पहले लिख दो, प्लस में सिक्स आई। नीचे देखते हैं, तीन के स्क्वायर नौ और आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन, तो प्लस वन कर दो, ऊपर लिखो जेड बराबर माइनस दो प्लस सिक्स आई बटा नौ एक दस, जेड बराबर माइनस दो बटा दस प्लस सिक्स आई बटा दस, जेड बराबर दो बचे दस यानी एक बटा पाँच, वो भी माइनस में, तीन दूनी छः पाँच दूनी दस यानी तीन बटा पाँच आई। फिर यहाँ पर हम बताते हैं, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड तो माइनस एक बटा पाँच, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट इसमें कौन है, तीन बटा पाँच इमेजनरी पार्ट हो गया। निकालना क्या है, इस बार रियल पार्ट निकालना, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर माइनस एक बटा पाँच होगा। दस दशमलव चार में दस क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, इसी तरह से दस दस क्वेश्चन हम डेली बता देंगे। और ये एक्सरसाइज भी क्यों छोड़े, हम सोचे दस दशमलव चार नॉर्मली कोई बताता नहीं है, ठीक है, दस दशमलव तीन में भी कुछ वैसे क्वेश्चन है जिसको कोई टच नहीं करता है, लास्ट में बीस इक्कीस बाईस तो खैर कुछ बदले भी है, कुछ वैसे यूट्यूबर हैं जो बताए हुए हैं, लेकिन शुरुआत में उसमें चौथा क्वेश्चन है जिसको कोई जल्दी टच करना नहीं चाहता, छठा उठा क्वेश्चन जिसको कोई टच करना नहीं चाहता, तो वो भी हम बता दिए, तो हमको लगा जब यूनिक हम बताइए रहे हैं तो हम दस दशमलव चार क्यों छोड़ें, जिसको सब कोई छोड़ ले हम भी छोड़ देंगे, फिर सब में हमें क्या फ़र्क रहेगा। और जो भी इतनी देर तक क्लास को देखे हैं वो जाहिर सी बात है पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, तो पढ़ने वाला है तो कम से कम जाते जाते एक लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।